खमागणी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जो भी अभी आपने क्लिप्स देखी थी वो परसों की थी। परसों हमारे सोसाइटी के गणपति जी का विसर्जन हुआ था, तो थोड़ी बहुत मैंने वीडियो शूट करी थी। और बस अभी फिर से हमारा जो डेली रूटीन है वो शुरू हो गया है। नहीं तो जब गणपति जी थे तब ऐसा होता था कि सुबह उठते थे, जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करते थे और रेडी होके मैं और तनु बैठ जाते थे। मतलब ऐसे वेट करते थे कि आज तनु के फ्रेंड्स आने वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो इस तरीके से चलता रहता था। तो ये सिलसिला भी 5-6 दिन तक चलता रहा। उसके बाद जो मेरे घर के गणपति जी थे उनको तो मैंने 5 दिन में ही विसर्जन कर दिया था, मैं 5 दिन के ही लेके आई थी। लेकिन जो सोसाइटी के गणपति जी थे ना वो 7 दिन के लेके आए थे। तो 2 दिन हम लोगों ने फिर नीचे खूब इंजॉय किया, सुबह शाम आरती में जाते थे, तो इतना फील नहीं हो रहा था, इतना लग नहीं रहा था। लेकिन अब सोसाइटी के भी गणपति जी चले गए तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब क्योंकि एक रूटीन हो जाता है, 6-7 दिन तक आप उसी रूटीन में चलते रहते हो, पूजा आरती, सबका घर पे आना, सबके घर पे जाना, तो वो अच्छा लगता है। सारे त्यौहार अच्छे होते हैं, जन्माष्टमी, राखी, होली, दिवाली, सारी चीज़ें अच्छी होती है। लेकिन ये जो त्यौहार होते हैं वो सब एक एक दिन के होते हैं। दिवाली भी हम लोग एक दिन मनाते हैं और दूसरे दिन से फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। ऐसे राखी हो गई, होली हो गई, सब एक एक दिन के होते हैं। लेकिन नवरात्रे और गणेश उत्सव ऐसे होते हैं जो हम लोग 10-10, 11-11 दिन तक मनाते हैं। नवरात्रि भी 9 दिन तक मनाते हैं, 10वें दिन दशहरा होता है तो और ज़्यादा धूमधाम होती है। गणपति जी भी कोई 7 दिन, कोई 10 दिन, कोई 11 दिन के लेके आते हैं। तो ये जो 2 त्यौहार ऐसे होते हैं कि 9-10 दिन तक हम कंटिन्यूसली इनको मनाते रहते हैं, तो वो फिर जाते हैं ना तो 1-2 दिन बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी तब तक तो श्राद्ध भी लग चुके होंगे। और बस अभी टाइम हो गया है 12:30, अब करूँगी मैं लंच बनाने की तैयारी। और मैं बनाने वाली हूँ आज कोफ्ते की सब्ज़ी, वो भी पालक की ग्रेवी में। तो पालक को मैंने अच्छे से 3-4 पानी में वॉश कर लिया है, अब इसको बॉईल करेंगे। तो 5-10 मिनट के लिए मैंने पालक को अच्छे से बॉईल कर लिया है। और जब भी मैं पालक को बॉईल करके कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक पतीले में पानी भरकर फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। पानी अच्छा सा चिल्ड हो जाता है, उसके बाद बॉईल करा हुआ जो पालक है वो मैं इसमें डिप करके 5 मिनट के लिए रखती हूँ, ताकि सब्ज़ी में जो ग्रीन कलर है वो बना रहे। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल भी जो पालक का कलर है वो चेंज नहीं होता है, चाहे हम कितने भी मसाले ऐड करें। तो यहाँ पर मैं 4-5 मिनट के लिए इसको डिप करके रखूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 बॉईल करे हुए आलू लिए हैं, आलू और पनीर के कोफ्ते बनाएंगे। तो आलू को मैं अच्छे से यहाँ पर पील कर लूँगी। और 2 आलू है तो 200 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पर पनीर लिया है, अब इनको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। फिर आप इनको आलू और पनीर को हाथों से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं। ग्रेट करे हुए आलू पनीर को मैंने एक बॉल में लिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसमें कुछ मसाले मैं ऐड करूँगी, जैसे रेड चिली पाउडर, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर मैं ऐड करूँगी और हरा धनिया मैं ऐड करने वाली हूँ। उसके बाद इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 3-4 छोटे चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। आप ना कॉर्नफ्लोर या आरारोट दोनों में से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, तो जितनी ज़रूरत लगेगी उतना मैं इसमें कॉर्नफ्लोर में ऐड करूँगी। तो अभी तो मैंने 3-4 छोटे चम्मच ही ऐड किया है, बाद में देखते हैं कितना और लगेगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है और अब रेडी कर लेते हैं कोफ्ते। तो दोनों हाथों में मैंने ऑयल लगा लिया है ताकि कोफ्ते चिपकेंगे नहीं। और मैं इसमें ऐड करूँगी किशमिश, काजू भी ऐड कर सकते हैं आप, और बिना काजू किशमिश के भी आप कोफ्ते बना सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बहुत अलग अलग वैरायटी की कोफ्ता करी बनती है। और यहाँ पर सारे कोफ्ते मैंने बना दिए हैं, अब इनको अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर रही हूँ। और एक तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, तो इनको टर्न करने में बहुत मतलब पलटने में ना एक डर लगता है कि कहीं से टूट नहीं जाए, बिखर नहीं जाए, तो इनको आराम आराम से ही टर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सारे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं, मतलब 4 करे हैं और 4 और करूँगी, क्योंकि 4-4 करके ही मैं फ्राई कर रही हूँ। और अभी ये दूसरा बैच है, इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और अब ग्रेवी बनाने के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली प्याज मैंने इसमें ऐड किए हैं, इनको भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने बटर ऐड किया है। कोफ्ता करी की सब्ज़ी ज़्यादातर घी में भी बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल और बटर में बना रही हूँ। और इसमें मैंने जीरा और कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं।
उसके बाद जो भी मसाला हमने ग्राइंड किया था वो ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको भूनेंगे, उसके बाद इसमें सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। ड्राई मसाले को भी 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने दही ऐड किया है। हल्की सी खटाई भी अच्छी लगती है पालक की ग्रेवी में, तो दही ऐड किया है। अब 1 से 2 मिनट तक इसको चलाते रहेंगे। दही डालने के बाद थोड़ा सा चलाना पड़ता है, नहीं तो दही फटने का थोड़ा सा रहता है। और काजू मैंने थोड़े से सोख करके रखे हैं, अब इनको भी पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो यहाँ पर मैंने काजू को भी अच्छे से पीस लिया है, अब इसके साथ पालक को भी हम पीस लेंगे। ग्रेवी भी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, अब इसमें हम पालक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसको ढक के 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे, अच्छे से कुक हो गई है। अब इसमें हम कोफ्ते ऐड नहीं करेंगे, जब सर्व करना है तभी हम कोफ्ते ऐड करेंगे। और ये है लोबिया, चवली भी इसको बोलते हैं। लोबिया मैंने बाद में सुना है, हम लोग तो इसको चवली ही बोलते हैं। तो ये मैंने सुबह सोख करके रखी थी। पहले मेरा दाल बनाने का था कि साथ में मैं दाल भी बना दूं, लेकिन रिशु के पापा ने बोला कि मुझे चवली की सूखी ड्राई जो सब्ज़ी होती है वो खानी है, तो वो ही बनाओ। तो फिर मैंने सुबह इनको गर्म पानी में सोख किया था, तो अच्छे से ये मतलब सॉफ्ट हो चुके हैं 2-3 घंटे में ही। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, और सिंपल सी सूखी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। एक जो बनती है ना कुकर के अंदर, हम बनाते हैं सारी ग्रेवी बना के आलू डाल के, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। रिशु के पापा बहुत मतलब कम ही बोलते हैं कि आज ये बनाओ या वो बनाओ, तो आज उन्होंने मुझे बोला कि दाल की जगह हो सके तो चवली की सूखी सब्ज़ी बनाओ। तो मैंने सोचा ठीक है, वही मैं आज बना देती हूँ। और आज मैंने दोनों सब्जियों में खड़े मसाले का ही यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मैं जो भी ये चवली है वो ऐड कर दूँगी। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलने में कि लोबिया बोलूँ या चवली बोलूँ। तो ये चवली मैंने ऐड कर दी है। अब इसको ना 5 से 10 मिनट तक मैं ढक के अच्छे से पकाऊँगी, क्योंकि मैंने इसको बॉईल नहीं किया है। इनको ऐसी ही पसंद आती है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो बॉईल करती ना तो थोड़ी जल्दी बन जाती, लेकिन ऐसे ही अच्छी लगेगी। और सब्ज़ी हमारी बन गई है, बस अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी और लेमन जूस ऐड करूँगी, और बहुत ही चटपटी सी ये सब्ज़ी बनती है। और जब भी आप सर्व करें तभी आप कोफ्ते ग्रेवी के अंदर डालें। अगर पहले से डाल के रखेंगे ना तो कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो ये टूट जाते हैं, ग्रेवी के अंदर बिखर जाते हैं। इसीलिए जब भी आप खाना खाएं उसके 1-2 मिनट पहले ही इसको आप ग्रेवी के अंदर डिप करके रखें। और मैंने इस सब्ज़ी के अंदर ना तो कोई क्रीम का यूज़ किया है, ना मलाई ऐड करी है, ना मैंने कोई टमाटर ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप क्रीम, मलाई, टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। और रेडी है हमारी पालक कोफ्ता करी, और इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर से क्रीम से गार्निश किया है। और साथ में मैं बना रही हूँ पराठे। पराठे रोटी किसी के भी साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।